What is up, ladies and gentlemen? Esports 360 के एक और नए एपिसोड में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के एपिसोड में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि PUBG Mobile न्यू स्टेट के टेक्निकल टेस्ट में आखिर हमें क्या देखने को मिला और क्या रिक्वायरमेंट्स थी इस टेक्निकल टेस्ट की। उसके बाद नजर डालेंगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, EISL के ट्रेलर के ऊपर और जानेंगे इस टूर्नामेंट से जुड़ी कुछ डिटेल्स। फिर देखेंगे कि किस तरह से होस्ट हुआ स्काई स्पोर्ट्स का अवार्ड सेरेमनी एंड इट वॉज ब्लेस्ड बाय द गॉड ऑफ क्रिकेट हिमसेल्फ सचिन तेंदुलकर। एंड इन द एंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, डोटा 2 का सबसे नया हीरो मार्सी हैज फाइनली बीन मेड प्लेएबल। तुम देखेंगे कि आखिर क्या नया खास है इस हीरो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, दिस इज सुपर जॉनी एंड यू गाइज आर वॉचिंग ईस्पोर्ट्स 360। हाल ही में PUBG Mobile न्यू स्टेट के टेक्निकल टेस्ट किए गए ऑनलाइन और स्ट्रीम्स पर, और कंटेंट क्रिएटर्स और कम्युनिटी इस गेम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन टेक्निकल टेस्ट के दौरान गेम के बारे में कुछ डिटेल्स भी सामने आई हैं। द गेम वॉज शॉर्टली मेड अवेलेबल फॉर एवरीवन हु वेंट थ्रू द सेकंड अल्फा टेस्ट। इट टेक्स 1.26 GB स्पेस एंड द रिक्वायरमेंट इज मिनिमम ऑफ एंड्रॉइड 6.0 एंड 2 GB रैम और हायर, एंड फॉर iOS यूजर्स iOS 13 और हायर और अ मॉडल ऑफ 6S और हायर। अब इस गेम की बाकी की डिटेल्स जानने के लिए हमको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा एंड डिटेल्स आपको पता चलेगी वेल ऑनलाइन ही और इस शो पर। नॉर्दर्न गेमिंग FSDL और EA Sports ने साथ मिलकर लॉन्च किया है EISL। एक ऐसा टूर्नामेंट है जो रन करेगा पैरेलल टू द एक्चुअल ISL इन द 2021-22 सीजन। EISL विल ब्रिंग एवरी क्लब ऑफ ISL टू eSports। ये टूर्नामेंट FIFA 22 के लिए होगा एंड द पार्टिसिपेंट्स विल हैव टू प्ले ऑन PS4 फॉर दिस। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं एट esl.gg/EISL पर। सो हरी अप एंड चूज रजिस्टर टू प्ले ऑफिशियली एंड प्ले फॉर योर फेवरेट क्लब। स्काई स्पोर्ट्स की रीसेंट सक्सेस से हम सभी वाकिफ हैं। द ऑर्गेनाइजेशन हैज मेड वेव्स विद ग्रैंड टूर्नामेंट्स, ऑसम लुकिंग अवार्ड शोज एंड इवन ग्रैंडर गेस्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े पर्सनालिटी ने एक ई स्पोर्ट्स इवेंट अटेंड किया। इट वॉज द फेलिसिटेशन ऑफ विनर्स ऑफ स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 3.0, जहां गॉडलाइक ने BGMI और वेलोसिटी गेमिंग ने वैलोरेंट का टाइटल अपने नाम किया। इट वॉज ट्रूली अ ग्रेट मोमेंट फॉर इंडियन ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी, जहां हर गेम के बेस्ट प्लेयर्स को मास्टर ब्लास्टर के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला। एंड इन आर लास्ट न्यूज, लेडीज एंड जेंटलमैन, मार्सी हैज फाइनली बीन मेड अ प्लेएबल हीरो इन डोटा 2। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट्स अबिलिटीज। Dispose is a single target ability that you can use on an ally or enemy unit. When activated, it will throw the unit behind you 350 units, dealing 280 magical damage and stunning units in the area for 2.1 seconds. Rebound is a vector targeted ability that will give Marcy incredible mobility. It, however, cannot be used unless there is a unit to cast it on. When used on a unit, whether it be an ally or enemy, Marcy will catapult herself over the said unit to the specified location. Sidekick is a single target ability that will buff both an ally and Marcy with 50% lifesteal and 65 bonus damage for 6 seconds. If cast on yourself, it will buff a random allied hero in range. This buff is able to be dispelled by enemies. Unleash is Marcy's ultimate ability. It's an instant active that will initially apply a basic dispel to Marcy. In addition, it will provide her with a 15% movement speed boost and will give her rapid attacks for 18 seconds. Every fifth attack will create an 800 radius pulse around the enemy target that deals 220 magical damage and slows movement speed by 30% and attack speed by 100. Every time the full combo is unleashed, or if she doesn't finish her combo in time, she will be disarmed for 1.5 seconds. तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा हमारे अगले एपिसोड में। एंड टू मेक श्योर यू डोंट मिस दैट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। टेक केयर, बाय बाय।